आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। करेंट अफेयर क्लास डेली सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है और प्रयास ये रहता है ना कि 13 से 14 मिनट के अंदर बिना एक क्वेश्चन छोड़े आपको हर एक करेंट अफेयर क्या करेंट अफेयर में आपको कवर करवा दूं। करेंट अफेयर को ऐसे पढ़ना है ताकि ये बोझ ना बने। 10 दिन के बाद भी आपको पता रहे कि जो करेंट अफेयर पढ़े वो हमें कम से कम याद है, क्योंकि करेंट अफेयर डेली पढ़ना है। तो करेंट अफेयर में जीके जीएस सब मत मिलाइए, क्योंकि करेंट अफेयर 10 दिन के बाद पूछो तो भैया पता नहीं है, रिवीजन करना पड़ेगा। पढ़ो ऐसे कि आपको एकदम याद रहे और आपको पता चले सुबह पढ़ रहे जिस क्लास को ना वो बहुत स्मूथली पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, ताकि वो लोड हम ले पा रहे। करंट अफेयर पूरा सटीक हमें याद है और मैंने रिसेंट के एग्जाम में दिखाया भी है। एमटीएस हो, उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, 100% क्वेश्चन फंसता है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सब पढ़ना है और 12 से 13 मिनट के अंदर ही पढ़ना है। तो पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपसे एकदम एग्जाम में पूछेगा आईपीएल की दो नई टीम का नाम क्या है। पहले 8 था, अभी 2 टीम और जुड़ गया है, तो टोटल टीम कितना हो गया 10। और ये 2 टीम कौन कौन सा है, तो अहमदाबाद और लखनऊ। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आपसे एकदम एग्जाम में पूछेगा, भारत सरकार ने MK54 टॉर्बेडो इसको खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। 423 करोड़ रुपए का डील साइन हुआ है अमेरिका के साथ, किसके साथ, कितने रुपए में, 423 करोड़ रुपए में आपका अमेरिका यानी यूएसए के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने और इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा और सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ना जो जीके का रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पिछले 5 साल से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, और एमटीएस में इतने ही नोट्स मैंने पढ़कर गए थे भैया, 25 में 23, 25 में 24, कितना कमेंट आया हर शिफ्ट में, जो मैंने आपको दिखाया भी, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना अपने एग्जाम में जाने से पहले। इसको रिपीटेड क्वेश्चन के साथ साथ ना स्टैटिक जीके भी आपको 99 में ही मिलेगा। रामसर साइट हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आगामी खेल, केंद्र मंत्री, टेनिस, ऑस्कर, टोक्यो पैरा ओलंपिक, या फिर जितने भी स्टैटिक जीके टॉपिक है, एयरपोर्ट बोलो, इन्वेंशन, एक्सरसाइज, अनुच्छेद, पीएच मान, विटामिन, पंचवर्षीय योजना, सब टॉपिक आपको 99 में ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। पढ़ लेना एग्जाम से जाने से पहले। मोटा मोटी ना आपको 110-15 घंटा लगेगा सबको कंप्लीट करने में, और ये ज्यादा नहीं है। आप करेंट अफेयर अगर डेली 1.5 घंटा 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो महीना में आप टाइम कितना दे रहे हैं, 30 घंटा, 6 महीना में 180 घंटा। तो अगर आप सोचो, ध्यान से सोचो, आप चाहोगे तो 15 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर डेली आप 5 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ने लगे तो, क्योंकि ये टॉपिक पढ़कर ही जाना है। करेंट अफेयर तो मैं आपको 10-12 मिनट में पढ़ा दे रहा हूं बिना एक क्वेश्चन छोड़े, आप किसी से भी मिला लेना भैया, आपका एक भी करेंट अफेयर ना छूट नहीं रहा है, और वही 10-12 मिनट में ही कवर करवा रहा हूं। और आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तीर्थ यात्रा योजना स्टार्ट किया है। एकदम याद रखना, कोरोना काल के बाद दोबारा से यह योजना स्टार्ट किया गया है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखना, जर्मन शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। आप एकदम बोलिएगा तितसी डैगर मैग्मा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश का रक्षा मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया है। एकदम बोलना आप सभी, भैया कनाडा का। कहां का, तो भैया कनाडा का। अच्छा, कनाडा का राजधानी क्या है, तो आप बोलिएगा कनाडा का राजधानी भैया ओटावा है। अगर बोलेगा भैया कनाडा का मुद्रा क्या है, तो यहां पर इस्तेमाल करते हैं कनाडियन डॉलर।
ठीक है, एकदम आप सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2021 के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है, बस इतना पूछेगा आप सभी से, और आप बोलिएगा 27 अक्टूबर को। यह सिर्फ करंट अफेयर है, अगर करंट अफेयर एग्जाम में देखने को मिला तो गारंटी है यही सब क्वेश्चन पूछेगा, एकदम याद रखना। मैं जीके जीएस को नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर डेली पढ़ना है तो आपके ऊपर बोझ ना बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस खिलाड़ी ने 2021 का डेनमार्क ओपन पुरुष खिताब जो है वो जीता है बैडमिंटन का, एकदम याद रखना, सानिया नेहवाल और पीवी सिंधु इस प्रतियोगिता में बाहर हो गई है, ठीक है। यह प्रतियोगिता पुरुष में किसने जीता है तो एकदम बोलिएगा, विक्टर एक्सेंसन, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगर आगे सुनना, अगला क्वेश्चन आपसे सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आप एकदम याद रखना, सभी मतदान केंद्र की डिजिटल मैपिंग, अच्छा जितने भी मतदान केंद्र है ना उसका डिजिटल तौर से मैपिंग करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, ताकि उस केंद्र का ना डिजिटल रूप से पूरा देखभाल होता रहे, पूरे निगरानी करता रहे, उस एप्लीकेशन का नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, गरुड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, बहुत महत्वपूर्ण राइटर है, इनका जब भी मार्केट में किताब आता है क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, याद रखिएगा आप सभी, राइटिंग फॉर माय लाइफ, ये किताब के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, मैंने पुरुष के बारे में बताया, अब सुन लो महिला, महिलाओं के क्षेत्र में ना डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है, तो नोजामी ओकुहारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नूरी, एकदम याद रखना, नूरी किस देश के द्वारा स्वदेश में विकसित प्रक्षेपण यान रॉकेट है, ये जो ये है ना इसका नाम क्या है, नाम याद रखिएगा, ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसका नाम नूरी नूरी है ना, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका साउथ कोरिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, गूगल और डूडल आपने अक्सर देखा होगा, जब अपने फोन में गूगल खोलिएगा ना तो कभी कभी देखिए गूगल गूगल के बगल में फोटो वगैरह आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गूगल डूडल। गूगल डूडल ने 28 अक्टूबर 2021 को कानो जिगारो की 161वीं जयंती मनाई है, उन्हें जापान के किस खेल का जनक के रूप में जाना जाता है, एकदम एग्जाम में बोलेगा, और आप बोल कर आइएगा जूडो, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो कौन सा देश कर रहा है, आप बोलना ब्रुनेई, ऑप्शन नंबर आपका ए। वर्चुअल यानी ऑनलाइन के माध्यम से भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था, मोदी जी बैठे थे, कौन देश मेजबानी किया है, ब्रुनेई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, कश्मीर युद्ध स्मारक के रक्षकों का आंदोलन किस केंद्र प्रदेश में किया गया है, अब क्वेश्चन समझना, जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है ना वहां पर ना एक स्मारक का उद्घाटन किया गया है, जितने भी हमारे भाई बहन जो शहीद हुए हैं उनके याद के लिए, और एक ना ये वायुसेना के द्वारा, किसके द्वारा, वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, और इसका उद्घाटन ना वहां के उपराज्यपाल कौन, मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है, यह कार्यक्रम का पूरा आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है, और ये जो स्मारक बनाया गया है जितने भी मेरे भाई शहीद हुए ना उनको समर्पित है, कहां पर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 28 अक्टूबर को, एकदम क्वेश्चन याद रखना,
28 अक्टूबर को किस राज्य के 100 प्रतिष्ठित पर्यटक आकर्षण में लगभग 5,00,000 गायकों ने स्थानीय भाषा में लोकप्रिय गीत गाया है? तो कर्नाटका में। यह क्वेश्चन ना एग्जाम में बनेगा, गारंटी बोल रहा हूं, याद रखना। 28 अक्टूबर को 100 पर्यटक को आकर्षित करने के लिए 5,00,000 गायक ने ना वहां के स्थानीय भाषा में गाना गाया। कहां पर यह कार्यक्रम हुआ है? तो कर्नाटका में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटका के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, कर्नाटका में 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा, 224 विधानसभा है। ऋतु राज अवस्थी, ये नई नियुक्ति हुई है, मुख्य न्यायाधीश है राज्यपाल थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री पता होगा 31 जिला है, 1 नवंबर को इसका मुख्य न्यायाधीश, 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन सुनना हमारे सामने, सूडान में, सूडान में आपको पता है ना तख्ता पलट हो गया है, याद रखिएगा। सेना ने ना प्रधानमंत्री जहां रहते हैं उसके पूरे को घेर लिया है, सेना ने वहां की सरकार को अपने हाथ में ले लिया है, सेना ने तख्ता पलट कर दिया है बाबू। वहां के जो प्रधानमंत्री थे ना अब्दुल्ला हमदोक, उनको गिरफ्तार कर लिया है। अभी ये गिरफ्तार किया है कि नहीं पता है, अभी प्रधानमंत्री का पता नहीं चल रहा है, लेकिन बोला जा रहा है ना कि सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है वहां के प्रधानमंत्री सूडान के, जिनका नाम क्या था, अब्दुल्ला हमदोक। अब्दुल्ला हमदोक इनको अपने कब्जे में ले लिया है, कहां के प्रधानमंत्री, सूडान का। तो अगर एग्जाम में बोले सेना तक पलक के बाद अफ्रीकी संघ ने किस देश को निलंबित कर दिया है, तो सूडान को निलंबित कर दिया गया बाबू, एकदम याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे सामने, हाल ही में भारत ने किस देश को ना 34.9 किलोमीटर लंबी सीमा पार रेल लिंक सौंपी है। यह रेल लिंक 68.7 किलोमीटर लंबा है, जो जयानगर, बिजलपुर और बर्दीदास रेल लिंक का हिस्सा है। 34.9 किलोमीटर लंबी जो रेल लिंक है वो नेपाल को, किसको, नेपाल को, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें ना, इस परियोजना में भारत पूरा हेल्प कर रहा है नेपाल का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जी ने 25 अक्टूबर को 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। आप बोल भी दीजिएगा भैया चुनाव का महीना है तो अभी बहुत जगह शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद उत्तर प्रदेश में ही जो है वो चुनाव होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा, 403 विधानसभा सीट है, और मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, राज्यपाल जो है वो 75 जिला, और 24 जनवरी को मनाते हैं हम सभी स्थापना दिवस। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और इसका सारा पीडीएफ ना सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। और एक बात, पाकिस्तान भारत को हराया था ना 10 विकेट से, तो सभी देश बहुत खुश नहीं थे। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अभी ना 1-2 दिन पहले भारतीय महिला ने ना 18-0 से, बाप रे बाप, 18-0 से पाकिस्तान को फुटबॉल में क्वालिफायर मैच हराया है। हम मेरे सोच के परे हैं, इंडिया पाकिस्तान का महिलाओं का फुटबॉल का मैच चल रहा है क्वालिफायर के लिए, उसमें पाकिस्तान को 18-0 से हराया है महिलाओं ने, और इसको मीडिया कवर ही नहीं कर रही है। आप सोच लो, क्रिकेट में 10 विकेट से इंडिया हार गई वर्ल्ड कप में, तो इसको हवा बनाया जा रहा है। अरे इसको भी तो दिखाओ, वो भी पाकिस्तान की है, 0 गोल। आप सोच कैसे सकते हैं 90 मिनट में 18 गोल मारी है महिलाओं ने, इसको भी अप्रिसिएट करना चाहिए ना, मीडिया को दिखाना चाहिए, दिन रात चलाना चाहिए, हमारे भारतीय सेना को भी बम पड़ाका फोड़ना चाहिए सेना के ऊपर, ताकि वहां तक आवाज गूंजे। 18-0, कितनी शर्म की बात है। तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा,
और एक बात, हमेशा की तरह अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अपने देश का भी। जय हिंद।